सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक गाइज। तो कल रात को मैं जो है फेसबुक में लाइव कर रहा था, मतलब शाम के टाइम पे। तो उस टाइम पे जो है लाइव के बीच में मेरे साथ एक ऐसा सीन हुआ जिससे मेरे को लाइव भी बंद करना पड़ा, और मेरे को मीना सर्वर से मैच भी था नॉन स्टॉप के लाइव में ही, मतलब हम लोग खेल रहे थे तो उधर भी मैच था। तो मतलब सब कुछ मैंने बंद कर दिया, पूरा मूड जो है मेरा ऑफ हो गया गाइज। ओके, 8 बज रहा था करीबन, देख सकते हो यहाँ पे फ़ोन में। तो क्या हुआ गाइज, देखो कल रात मैं लाइव कर रहा था, एंड लाइव के बीच में जो है पता नहीं मतलब मेरे क्या ख्याल आया, मैं इस फ़ोन का स्टोरेज चेक करने लगा कि और स्टोरेज बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है, क्योंकि मैंने इस पे टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियोस मतलब बहुत सारे बना के रखे हैं। तो कल काली पूजा था, तो काली पूजा में थोड़ा सा मतलब टाइम गया। उसके बाद पूरा दिन मैंने स्नाइपर का टिप्स एंड ट्रिक्स बनाया, क्योंकि डबल स्नाइपर से बहुत सारे बंदे परेशान हो गए कि मतलब रिलोड आ रहा है, रिलोड आ रहा है। तो उसके लिए मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बनाया, और उसका जुगाड़ भी मिल गया मेरे को। बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मिल गए जिसकी वजह से आप स्नाइपर को बहुत ओपी तरीके से चला सकते हो। बट वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मेरा इस फ़ोन के अंदर है गाइस, ठीक। एंड इस फ़ोन के अंदर स्टोरेज चेक करने के लिए भी सेटिंग में जाना पड़ता है। मेरे को आईफोन में उतना कुछ पता नहीं है, आईफोन में उतना यूज़ नहीं करता गाइस। जस्ट मैं गेम खेलता हूँ, रिकॉर्डिंग करता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, छोड़ देता हूँ, और कुछ नहीं करता। ये फ़ोन बस पड़ा रहता है गाइस, ठीक है। तो मेरे को उतना नहीं पता गाइस, ठीक है। तो मैं इसका मतलब स्टोरेज चेक करने के लिए जैसे ही गया गाइस वहाँ पे सेटिंग्स में, वहाँ पे मैं लाइव भी चल रहा था ना, तो लाइव का स्क्रीन भी देख रहा था। पता नहीं मतलब कैसे कैसे कहाँ पे टैप हो गया मेरा सेटिंग के अंदर ही। एंड एक बटन ऐसे आया जिसको मतलब मैंने दबा दिया, क्या था, स्विच कंट्रोल करके कुछ था, उसको मैंने दबाया और मेरा फ़ोन पूरा बंद हो गया। मतलब कुछ काम ही नहीं कर रहा गाइज, देख सकते हैं यहाँ पे। और ऊपर से लॉक भी हो गया गाइज, मतलब मेरा फ़ोन फ़ोन का जो स्क्रीन है वो भी लॉक हो गया। और अब मतलब मैं फ़ोन को इस तरह से देख ही सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। मतलब किस तरह से अटक गया आप लोग देख सकते हो। ऊपर से इसके अंदर मतलब जो इमरजेंसी कॉल है ना वो ऑटोमेटिक चालू हो गया, एंड फ्लैश भी ऑटोमेटिक ऑन हो गया गाइस। यहाँ पे देख सकते हो भाई 9 बज अभी रहा है, भी तो अभी वही देखो प्रॉब्लम है यहाँ पे यार, भी मतलब वैसे ही सीन। यहाँ पे साला खुल ही नहीं रहा भाई। और यहाँ पे इमरजेंसी कॉल भी लग गया है भाई, पता नहीं ऑटोमेटिक लग गया। फ्लैश भी ऑन है, इसका फ्लैश ऑन है गाइस, देख सकते हो आप लोग। मतलब फ्लैश भी नहीं जा रहा भाई, मतलब फ्लैश ऑटोमेटिक ऑन हो गया इसका। अब तो कुछ काम ही नहीं कर रहा, पता नहीं कैसे गाइस। आप लोग अगर कुछ पता है तो प्लीज़ यार बता दो भाई, मैं बहुत परेशान हो गया भाई। तो आप में से बहुत सारे बंदे आईफोन यूज़ करते हो, तो आप लोगों में से अगर किसी को पता है स्विच कंट्रोल के बारे में तो प्लीज़ मेरे को इंस्टाग्राम पे एक वीडियो बना के सेंड कर दो कि इसको कैसे मतलब अनलॉक करना है। प्लीज़ ये चीज़ कर दो, क्योंकि इस फ़ोन के अंदर मेरा बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। मतलब डॉक्यूमेंट्स तो बहुत ज़्यादा है इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऊपर से मतलब इसके अंदर वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स है ना जो मैं फ्यूचर में देने वाला हूँ, उसका स्क्रिप्ट लिखा हुआ है गाइस इसके अंदर। एंड उसके अलावा स्नाइपर का भी मतलब इतना मेहनत किया ना कल मैंने, स्नाइपर के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया। ऊपर से मेरे पास कस्टम रूम भी नहीं है, कल ही मिला था एक दो कस्टम रूम, तो उससे किया मैंने, वो तो बन जाएगा फिर से दोबारा। बट मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया गाइस स्नाइपर टिप्स एंड ट्रिक्स में, तो वो भी इसके अंदर छुपा हुआ है। तो प्लीज़ गाइस अगर आप लोगों को कुछ पता है इसके बारे में, स्विच कंट्रोल के बारे में, मैंने यूट्यूब में देखा गाइस, यूट्यूब वाले मतलब बोल तो रहे बट उस ट्रिक से मेरे खोल नहीं रहा गाइस। मतलब मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, ये मतलब इमरजेंसी कॉल लग गया ना तब से ये सीन हो रहा है गाइस। अभी मैं जस्ट एक ही काम कर सकता हूँ इसका, जब तक बैटरी एकदम लो नहीं हो जाता तब तक मेरे को वेट करना पड़ेगा, फ्लैश जला के ही रखना पड़ेगा। तो इसका बैटरी एकदम लो होने के बाद ये स्विच ऑफ हो जाएगा, उसके बाद मैं चार्जिंग पे लगा कर देखूंगा कि इमरजेंसी कॉल जाएगा तो कुछ हो सकता है, वरना तो ऐसे ही रहेगा गाइस। मतलब और सर्विस सेंटर में मैं दे सकता हूँ, सर्विस सेंटर में मैं अगर दूंगा तो वहाँ पे तो बहुत टाइम लगा देगा गाइस, आप लोग समझ रहे हो ना। और ऊपर से वो लोग रीसेट कर देते हैं, तो रीसेट कर देंगे तो मेरा सारे स्क्रिप्ट चला जाएगा, मेरा जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स का स्क्रिप्ट है मैंने सब कुछ यहाँ पे लिख के रखा है, नोट करके रखा है, तो वो सारे चला जाएगा। ऊपर से जो स्नाइपर टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बनाया था इतनी मेहनत से, मतलब रिकॉर्डिंग सॉरी एडिटिंग भी कर लिया था, रिकॉर्डिंग भी कर लिया, सब कुछ करके रखा था गाइस, जस्ट वॉइस ओवर करना बाकी था, तो वो भी चला जाएगा गाइस, ठीक है। तो आप लोगों से अगर हो सके तो प्लीज़ मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, एक वीडियो के साथ सेंड कर दो, अगर आप लोगों के साथ कभी भी ये प्रॉब्लम हुआ है तो। मेरे साथ कभी नहीं हुआ गाइस ये प्रॉब्लम, कभी नहीं हुआ, अगर होता तो मेरे को पता रहता, बट नहीं हुआ ना तो यही दिक्कत है। मैंने अपने दोस्तों के से भी पूछा जिसके पास आईफोन है, उन लोगों से, उन लोगों का भी कभी नहीं हुआ गाइस, उन लोगों ने मतलब इतना नहीं घाटा होगा। तो मैं देखता हूँ गाइस कल तक अगर ठीक होता है आईफोन, मतलब मैं ट्राई करूँगा आज पूरा दिन, अगर होता है तो सही है, अगर नहीं होता है तो मतलब देखता हूँ ये जो दूसरा मोबाइल है इससे करना पड़ेगा। बट इस पे लोड नहीं लेता गाइस, इस पे मतलब लैग करता है बहुत ही ज़्यादा, गंदा वाला गेम, ठीक है। बट देखते हैं गाइस ट्राई करके क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी आप लोगों को अगर पता है कुछ तो प्लीज़ थोड़ा सा हेल्प कर दो भाई, मेरे मतलब इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ना भाई, मतलब
इतने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने वहाँ पे स्क्रिप्ट लिख के रखा है, पूरा 1 मंथ तक का, पूरा 1 मंथ तक का चलेगा गाइस वो टिप्स एंड ट्रिक्स, समझ रहे हो ना। तो प्लीज़ आप लोगों को अगर पता होगा तो प्लीज़ कृपया करके बता देना, वरना मेरे को पूरा स्क्रिप्ट फिर से लिखना पड़ेगा, और ऊपर से मतलब थोड़ा सा भुलक्कड़ टाइप हूँ मैं गाइस, तो मतलब उतना याद नहीं रहेगा कि क्या देना है क्या नहीं देना अच्छे से, मतलब प्रॉपर तरीके से वहाँ पर लिखा हुआ है गाइस, ठीक है, नोट में। तो प्लीज़ आप लोग कर देना ये सब। मैं जो है कल रात को मतलब पूरा एकदम शांत हो गया था गाइस, मतलब पूरा मतलब रोने लग गया था कि भाई मैंने क्या कर दिया, मैंने गलती से क्या कर दिया लाइव के टाइम पे।